एक बार भगवान बुद्ध तेजवन बिहार में रह रहे थे, तब वहां पर बिच्छू शिशुपाल भगवान से मिलने आए। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की भी चर्चा हुई। बिच्छू शिशुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने मरे हुए कीड़ों को शिशुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने शिशुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि जैसे तुमने शिशुपाल को कीड़े मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही शिशुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करना सही नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि शिशुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? भगवान बुद्ध ने शिशुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए शिशुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह बहुत रोई, बहुत पीटी, लेकिन शिशुपाल का दिल जरा सा भी नहीं पसीदा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कार्य दिया जा रहा है, हमें उसे पूरी निष्ठा के साथ करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आप देख ही पा रहे हो। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।